नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। एक प्लाट दिया हुआ है जो इस प्रकार से है, 60, 40 और 90 का है, देख सकते हैं। और ये प्लाट क्या है, समानांतर है, नहीं 60 और 90 के बीच की जो दूरी है वो 40 है। 40 यहाँ तक 40 है, उसके बाद ये तिरछी हो गई है। तो जब इस प्रकार से कोई प्लाट जो समानांतर होता है, यानी दोनों के बीच की जो है कांतर समान होता है, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर की भुजा और नीचे की भुजा को हम जोड़ लेते हैं। तो उसको जोड़ेंगे 60 धन, इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे हम 60 धन जो है 90 कर लेंगे, 60 धन 90 बटे 2 कर देंगे इसके, और गुणे कर लेंगे हम इसके जो इसका अंतर है, समान अंतर का है 40। उसके बाद इसको हम हल करते हैं तो 60 और 90 हो जाएगा 150 गुणे 40 बटे 2, तो हो जाएगा 2 से हम जो है 40 को काट देते हैं, 2 दूनी 4 यानी 20 दूनी 40। तो अब इसको जो है हम जोड़ लेंगे, गुणा कर लेंगे इसको जो है 150 में 20 का, तो हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी कि हो जाएगा 3000 वर्ग मीटर। ये हो गया 3000 वर्ग मीटर। उसके बाद एक आ गया, ये जो 3000 वर्ग मीटर आया है, ये जो है पूरे खेत का क्या है, क्षेत्रफल है, पूरे का क्षेत्रफल है। अब हमें निकालना है एक भाग का क्षेत्रफल, तो एक भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, एक भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 3000 जो पूरे का है बटे 3, तो बराबर हो जाएगा 1000 वर्ग मीटर, योग 1000 वर्ग मीटर। अब हमें क्या करना है इसको, अब इसको हमें बांटना है 3 बराबर भागों में। तो इसको बांटने के लिए हमें क्या करना होगा, तो इसका नियम यह है कि पहले भाग की चौड़ाई, जो पहला भाग है उसके पहले भाग की चौड़ाई हो जाएगा पहले भाग की चौड़ाई जो है हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो पहले भाग की चौड़ाई बराबर हो जाएगा पहले भाग का क्षेत्रफल, पहले भाग का क्षेत्रफल बटे पहले भाग की लंबाई, पहले भाग की लंबाई, तो ये बराबर हो जाएगा एक हजार, क्योंकि पहले भाग का क्षेत्रफल कितना है 1000 है, तो 1000 बटे जो पहले भाग की लंबाई हम देख सकते हैं ये 40 मीटर है, ये लंबाई हमको चौड़ाई ज्ञात करना है, इसमें बांटना है, तो लंबाई मान लीजिए हो जाएगी 40, तो इसको जो है हम बटे 40 कर देंगे, बराबर हो जाएगा 25 मीटर हो जाएगा, ये होगा मीटर में, क्योंकि ये क्षेत्रफल नहीं है, ये चौड़ाई है। तो पहले भाग की चौड़ाई क्या हो गई, ये जो पहले भाग की चौड़ाई बराबर हो गई 25 मीटर हो गया। अब इसके बाद जो है हमको जो है पहले भाग की चौड़ाई ज्ञात हो गई, तो इसको हम जो है क्या करेंगे, अब इसे मान लीजिए ये पहला भाग है, ये पहला भाग है, ये 25 मीटर हो गया, तो जितना पहला भाग होगा उतना ही दूसरा भाग भी होगा, दूसरा भाग भी क्या हो गया 25 मीटर हो गया, और हमें जो तीसरा भाग मिल जो है
तीसरे भाग की जो चौड़ाई की बात है उसका हमें कोई चिंता नहीं करना है, क्योंकि जो तीसरा आएगा वो सेम ही आएगा इसका क्षेत्रफल। तो पहले का हो गया 25 मीटर, दूसरे का हो गया 25 मीटर, और यहाँ इसका चौड़ाई भी, इसकी लंबाई 40 मीटर है और इसकी भी चौड़ाई क्या 25 मीटर, ये भी 25 मीटर आ जाएगा। और इसका देखेंगे हम 25 60 था तो आ गया ये 10 मीटर हो जाएगा, इसका चौड़ाई 10 मीटर हो जाएगा। लेकिन इसकी जो ए नीचे वाली जो भाग है ये बढ़ जाएगा, ये 50 हो गया, 25 50 90। तो हम जो है 50 में से 90 में से जो है जब 50 निकालेंगे तो हो जाएगा ये 40, यानी इसका जो हिस्सा है हो जाएगा 40 मीटर। तो इस प्रकार से इसका जो है 40 और ये 10, तो इस प्रकार से जो है तीनों का भाग जो है बराबर बराबर बंट गया। तो इस प्रकार से जो है तीनों का बंटवारा हो गया। तो दोस्तों उम्मीद होगा कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।